हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं तिल का लड्डू। तो फ्रेंड्स देखिए, हम तिल को कैसे थोड़ा थोड़ा करके भून ले रहे हैं। हमें तिल एक साथ ज़्यादा नहीं भूनना है, ज़्यादा भूनेंगे तो अच्छे से नहीं भून पाएगा, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके भूनना है। तो हम सारे तिल को अच्छे से भून लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और देखिए कैसे हम थोड़ा थोड़ा करके तिल को भून ले रहे हैं, ज्यादा नहीं भूनना है। देखिए तिल हमारा भून चुका है, और मैं अपने हाथ पे ऐसे प्रेस करके दिखाऊंगी कितने अच्छे से प्रेस हो रहा है। देख सकती हैं बहुत अच्छे से तिल भून चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा पानी रखेंगे। पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे गुड़। हमें गुड़ का सीरा बनाना है, इसे हम पाक भी बोलते हैं। और आप लोग की तरफ जो भी बोला जाता होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी तरफ यही बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम डाल चुके हैं, और अब उनको देखिए हम कैसे पाक बनाएंगे। गैस को एकदम धीमी रखना है, ज्यादा तेज नहीं करना है, नहीं तो जल जाएगा ये, और जल जाएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लड्डू तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए कितना अच्छा पाक बन के रेडी हो रहा है इसका। हमें कंटिन्यू चलाना है इसको, ताकि नीचे ये जले ना। फ्रेंड्स, ये जो मेरे तरफ बहुत ज्यादा ही हवा चल रही है, तो ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम, तो सारा इसमें आ रहा है हवा चलने की आवाज़। तो फिर देखिए पाक कितना अच्छा बन गया है। अभी ये इसमें तार नहीं बन रहा, तो अभी हम और पकाएंगे इसको। देखिए देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है ना। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, जिससे लड्डू में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और पाक बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे तेल। और हम मिक्स हो चुका है, अब हम बनाएंगे लड्डू। तो देखिए हम कितनी आसानी से लड्डू बना ले रहे हैं, कितनी प्यारी लड्डू है, ये सर्दियों में बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। देखिए सारे लड्डू बनके रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करिएगा, और मेरे